हेलो फ्रेंड्स, जेएमडी ऑल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपके पास भी रेडमी नोट 10 प्रो में एमआई अकाउंट लगा है तो आप ऑनलाइन होकर के आप एमआई अकाउंट करवा सकते हैं। ये यूएमटी या कोई अलग टूल से नहीं होता है, ये बाय ऑनलाइन होता है। यहाँ देख लें, ये ऑथ लॉगिंग है, इसके द्वारा ये डन हो चुका है। ठीक है, फ्लैश डन और इसका एमआई अकाउंट हट चुका है। यदि आपके पास भी एमआई का कोई भी सेट हो जो रिलॉकिंग प्रॉब्लम आता है, जो यूएमटी से या अनलॉक टूल से या कोई भी टूल से नहीं हो पाता हो, तो आप मुझसे संपर्क करके ऑनलाइन आप करवा सकते हो एमआई अकाउंट कोई भी मॉडल का, जैसे रेडमी 7, वाई 3, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स वगैरह वगैरह जो भी हो। मैं ऑथ लॉगिंग से आपको बस टाइम कुछ नहीं लगता है, 5 मिनट में आपका काम क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऑथ लॉगिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो चुका है और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डन। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ तो ये डन हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप एमआई रेडमी कोई भी मॉडल में एमआई अकाउंट यदि आपका लगा हो तो आप ऑनलाइन, मैं अपना ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ करके ऑनलाइन फ्लैशिंग, अनलॉकिंग या जो भी प्रॉब्लम हो एमआई अकाउंट का वो आपका सॉल्व हो जाएगा। या कोई भी मोबाइल यदि आपके पास है जिसका अनलॉकिंग, यदि आप न्यू हो, आप नहीं जानते हो, नहीं करना चाहते, तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ के करवा सकते हो। कोई भी मोबाइल का हो, चाहे वो एप्पल हो, आईफोन हो या सैमसंग, हवाई या अगर वगैरह जो भी मोबाइल हो, उसका फ्लैशिंग अनलॉकिंग आप हमसे जुड़ के करवा सकते हो। तो मैं अपना ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई भी यदि आपका प्रॉब्लम हो, यदि आपसे नहीं हो पाता समझ में या नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, वहां से समझाऊंगा। ठीक है, जितना हेल्प हो सकेगा मैं आपका करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही बताने के लिए आया था कि एमआई अकाउंट मुझे किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, नहीं हो पाता उनसे, कोई भी टूल से हो ही नहीं पाता है, तो वो किस तरीके से एमआई अकाउंट को अपना डिसेबल या रिमूव कर सकता है, तो बता दिया आपको। आपको सिर्फ कुछ नहीं, नीचे मैं अपना ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको वहां से जुड़ना है और आपको मैसेज करना है। ठीक है, एडमिन के नंबर पे वहां से मैसेज करना है और आपका काम 100% सॉल्व हो पाएगा। तो जाते जाते फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग वीडियो पे नए हो, न्यू देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज लाइक कमेंट्स, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।